लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू, हंगामे के कारण स्थगित हुई थी। विपक्षी सांसद प्रधानमंत्री को सदन में बुलाने के लिए नारेबाजी कर रहे थे। संसद के मानसून सत्र का बुधवार 31 जुलाई को आठवां दिन है। सत्र शुरू होते ही कांग्रेस सांसदों ने स्थगन प्रस्तावों पर चर्चा की मांग की। स्पीकर ने कहा, प्रश्नकाल में कोई प्रस्ताव नहीं आएगा, प्रश्नकाल के बाद बात करेंगे। विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी करते हुए जमकर हंगामा कर दिया। इस पर स्पीकर ने लोकसभा 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी थी। विपक्षी सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदन में बुलाने की मांग कर रहे थे। 12 बजे लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू हो गई। नितिन गडकरी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से जीवन बीमा और चिकित्सा बीमा प्रीमियर पर जीएसटी हटाने की अपील की। कांग्रेस के चीफ व्हिप मणिकम टैगोर ने जाति जनगणना और महिला आरक्षण पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव दिया है। पार्टी के लोकसभा में उपनेता गौरव गोगोई ने असम में बाढ़ और केरल से सांसद हिबी ईडन ने वायनाड लैंडस्लाइड पर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव लाकर चर्चा करने की मांग की है। संसद सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस सांसदों ने वायनाड लैंडस्लाइड में मारे गए लोगों और दिल्ली में जान गंवाने वाले 3 छात्रों के लिए संसद के सेंट्रल हॉल में मौन धारण किया। लोकसभा में विपक्षी सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदन में बुलाने की मांग कर रहे थे। प्रश्नकाल में वे नरेंद्र मोदी सदन में आओ के नारे लगा रहे हैं। इन सबके बीच प्रश्नकाल जारी है। लोकसभा में प्रश्नकाल जारी है। विपक्षी सांसदों के स्थगन प्रस्ताव पर जवाब नहीं मिला है, इस पर वे नारेबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस सांसदों ने स्थगन प्रस्तावों पर चर्चा की मांग की। स्पीकर ने कहा, प्रश्नकाल में कोई प्रस्ताव नहीं आएगा, प्रश्नकाल के बाद बात करेंगे। आठवें दिन का संसद सत्र शुरू हो गया है। स्पीकर ने मनु भागर और सरबजोत सिंह के ओलंपिक में मेडल जीतने पर खुशी जताई। संसद सत्र के 7वें दिन अग्निवीर और जातिगत जनगणना पर भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर, राहुल गांधी और अखिलेश यादव भिड़ गए। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा कि आपके बोलने के लिए पर्ची आती है, उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती। ठाकुर ने फिर कहा, आजकल कुछ लोगों पर जाति जनगणना का भूत सवार है, जिसको जाति का पता नहीं वो जाति जनगणना कराना चाहते हैं। इस पर विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। राहुल गांधी ने अनुराग ठाकुर पर गाली देने का आरोप लगाया। अखिलेश भी बोले, कोई किसी की जाति कैसे पूछ सकता है।